जो महिलाएं हैं उनके हाथों के ऊपर तरस खाइए और अपने किचन में एक इंस्टेंट गीजर जरूर लगवाइए, क्योंकि ठंडे पानी में काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, तो हमें थोड़ा सा उनके बारे में भी सोचना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब अच्छे से होंगे। आप सबको भगवान बहुत खुश रखे। आज आपको मेरे टेबल के ऊपर एक इंस्टेंट गीजर दिख रहा है, बजाज ब्रांड का। मैंने अपने एक वीडियो में बोला था कि मैं आपको हैवल्स की अनबॉक्सिंग और उसकी टेस्टिंग करके दिखाऊंगा, और अभी भी मैं ये बोल रहा हूँ इस वीडियो में। हालांकि मेरे टेबल के ऊपर ये बजाज का वाटर हीटर पड़ा हुआ है, बट स्टिल आई एम सेइंग या आई एम रिकमेंडिंग यू कि अगर आपको कोई बेस्ट इंस्टेंट गीजर लेना है तो आप हैवल्स का लीजिए या फिर क्रॉम्पटन का लीजिए, और अगर उनके बाद कोई रिकमेंडेशन चाहिए तो फिर बजाज का लीजिए, क्योंकि जो ये बजाज का गीजर है ये इन दोनों से सस्ता भी मिलेगा आपको और परफॉर्मेंस बिल्कुल ठीक है, इसकी भी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि बिल्ड क्वालिटी की अगर मैं बात करूं तो आपको हैवल्स और क्रॉम्पटन में थोड़ा सा बेटर मिलता है, बट बजाज का जो ये गीज़र है इसमें भी कोई कमी नहीं है। ये आपको 2500 या 2600 रुपए के आसपास मिल जाएगा। मैंने हैवल्स का ही लेना था बट किसी रीजन से वो मेरे तक पहुंच नहीं पाया, इसलिए मैंने बजाज का फिर ऑर्डर किया है। ये मुझे लगभग 2600 रुपए के आसपास कॉस्ट किया है, मैंने अमेजोन से इसको मंगाया है। तो अगर आपको रनिंग वाटर को गर्म करना है, कंटिन्यू टैप से आपको हॉट वाटर सप्लाई चाहिए, जैसे किचन में हमारी जो महिलाएं हैं वो बर्तन वगैरह धोती हैं जब, तो बहुत ज़्यादा ठंडा पानी हो जाता है सर्दियों में, जिससे उनके हाथ जो हैं वो सुन्न हो जाते हैं, स्वेलिंग आ जाती है फिंगर्स में, तो इन सभी चीज़ों से बचे रहें वो, तो उनको एक इंस्टेंट गीज़र लगाना चाहिए किचन के अंदर, ताकि जब बर्तन साफ़ करें वो तो उनको हॉट वाटर सप्लाई मिले, जिससे बर्तन भी अच्छे से साफ़ रहते हैं और आपके जो हाथ हैं वो भी सेफ़ रहते हैं। तो उस चीज़ के लिए ये जो इंस्टेंट गीज़र होते हैं ये बहुत अच्छे से काम करते हैं, और स्पेशली ये किचन यूज़ के लिए ही डिज़ाइन किए जाते हैं। इसमें 3 लीटर का टैंक होता है और 3 किलोवाट का हीटिंग एलिमेंट लगाया जाता है, जो बहुत तेजी से पानी को गर्म करता है, और काफ़ी गर्म पानी आपको रनिंग कंडीशन में मिलता रहता है। तो इसकी सबसे पहले हम अनबॉक्सिंग करेंगे और फिर देखेंगे कैसा है ये गीज़र, और कीमत तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, इसकी वारंटी गारंटी कितनी है वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। हालांकि इस वीडियो में मैं इसकी टेस्टिंग नहीं करूँगा, उसका वीडियो मैं अलग से बनाऊँगा जिसमें इसकी डिटेल टेस्टिंग करूँगा मैं, कि रनिंग कंडीशन में कितने टेम्परेचर के ऊपर ये पानी देता है, क्या फंक्शन है इसके अंदर, थर्मोस्टेटिक है, कितने टाइम में वो कट ऑफ करता है, तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट किसी वीडियो में टेस्ट करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, इसका लुक देखेंगे और देखेंगे कि पैकिंग में क्या क्या सामान दिया है हमें बजाज वालों ने। ये है बजाज का इंस्टेंट गीज़र, बजाज इंस्पायरिंग ट्रस्ट। ये अमेजोन का लेबल लगा हुआ है क्योंकि अमेजोन से हमने इसको मंगाया है। यहाँ पर मल्टीपल सेफ्टी सिस्टम्स, 3 लीटर, 5 ईयर वारंटी ऑन इनर टैंक, 2 ईयर वारंटी ऑन हीटिंग एलिमेंट एंड 1 ईयर वारंटी ऑन प्रोडक्ट। और जो मॉडल है इसका वो है स्प्लेंडोरा IWH 3 लीटर 3 kW इंस्टेंट वाटर हीटर। इसका मतलब ये है कि इस वाटर हीटर में 3 लीटर का टैंक है जिसके ऊपर 5 साल की वारंटी है, और इसका जो हीटिंग एलिमेंट है वो 3 किलोवाट का है जिसके ऊपर 2 साल की वारंटी दे रही है बजाज कंपनी। इस तरफ अगर देखें तो भी काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, तो यहाँ पर फीचर्स लिखे हुए हैं, वर्ल्ड क्लास फीचर्स, परफॉर्मेंस प्लस, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं और उसके बाद इनको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ पर इंस्टॉलेशन के बारे में भी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, और ये मॉडल नंबर फिर लिखा हुआ है, और जो खूबियाँ हैं इसकी बेसिकली वो हिंदी में भी यहाँ पर लिखी हैं, तो मैं आपको एक दो पढ़ के बता देता हूँ। तो ये जंग रोधी इंजीनियरिंग थर्मोप्लास्टिक वाली बाहरी बॉडी है इसकी, और विशेष टिकाऊ अत्यधिक कार्यकुशल हीटिंग एलिमेंट। तो ये बहुत मुश्किल पड़ रहा है हिंदी में पढ़ना, तो इंग्लिश में अगर चाहें तो इजीली ये हम पढ़ सकते हैं और हमारी समझ में भी आ जाएगा। जिन लोगों को हिंदी समझ आती है तो उनके लिए मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, आप वीडियो को रोक कर इसको अच्छे से पढ़ सकते हो। और यहाँ पर कस्टमर केयर नंबर दिया है, इस गीज़र में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कस्टमर केयर को कॉन्टैक्ट किया जा सकता है इस नंबर पर। और इस तरफ भी वही सारी चीज़ें लिखी हैं जो मैंने आपको पढ़कर पहले बताई हैं, ये सारी चीज़ें, और यहाँ पर बेसिकली हिंदी में लिखा है, जो पहले हमने पढ़ा था वो इंग्लिश में लिखा हुआ था, और यहाँ पर इसका मॉडल नंबर वगैरह लिखा हुआ था, लेकिन ये अमेज़ॉन की टेप लगी हुई है जिसकी वजह से पढ़ने में नहीं आ रहा, तो अब यहाँ पर हम देख पाएंगे। इंस्टेंट वाटर हीटर मॉडल नंबर है स्प्लेंडोरा IWH 3 लीटर, और ये इसका
नंबर है साथ में, इसमें एमआरपी लिखी हुई है 5,890 रुपीज़। तो लगभग लगभग आधे में मिला ये हमें, आधे से भी कम में। तो ये 2,500 रुपये के आसपास हमें मिला है, 2,600 के आसपास, और ये सितंबर 2022 की मेकिंग है इसकी। बाकी यहाँ पर इस ब्रांड की सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं, और यहाँ पर फिर से इसकी टेक्निकल डिटेल्स सारी लिखी हुई हैं जो इस टेप के नीचे छुप रही हैं। इसको भी उतार के देख लेते हैं, ये रही जी सारी। और कलर जो है वो वाइट कलर का ये गीज़र है अंदर। तो चलिए अब इसको ओपन करते हैं और देखते हैं कैसी है इसकी लुक। सो यहाँ पर ये एक टेप लगा रखा है इन्होंने, तो इसको हम काट लेते हैं कटर की मदद से। और ये जो पैकिंग है ये इस तरह से ओपन हो रही है, और यहाँ पर हमें ये गीज़र मिल जाता है। तो ऊपर की तरफ ये थर्माकोल है, तो ये थर्माकोल है जो ऊपर की तरफ था, और ये गीज़र इस तरह से उल्टा रखा हुआ है बेसिकली इसमें, और साइड में ये बुक वगैरह है। तो इसको निकालते हैं एक बार, मैं इसको निकाल लेता हूँ ज़रा। तो ये मैंने निकाल लिया है, ये रहा हमारा गीज़र। और बॉक्स में हमें ये कुछ वारंटी कार्ड और इसके यूज़र मैनुअल मिले हैं, और साथ में गिट्टी पेज है इसको हैंग करने के लिए। बाकी बॉक्स के अंदर कुछ नहीं है, कोई कनेक्टिंग पाइप नहीं है, कोई इंस्टॉलेशन किट नहीं है। सो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ ये भी खोल के आपको। तो ये बजाज का 1 ईयर वारंटी अप्लाइंस यहाँ लिखा हुआ है। सो ये बेसिकली इनका वारंटी कार्ड है, तो जिसके ऊपर सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई हैं। और ये हैं इसके गिट्टी पेज जिनकी हेल्प से ये हैंग होगा। सो जो मेन यूनिट है वो ये है हमारे पास। तो ये इस तरह से एक पॉली बैग में पैक कर रखा है इसको, तो इसको निकाल लेते हैं। तो ये है बजाज का इंस्टेंट वाटर हीटर, ये लाल वाला जो है, यहाँ से आपको हॉट वाटर सप्लाई मिलती है। यहाँ पर आपको इनलेट का पाइप लगाना होता है, और यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट इन्होंने ये सेफ्टी वॉल्व लगाया हुआ है, एंड दैट इज़ वेरी गुड थिंग। सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा गया है। यहाँ पे दो इंडिकेटर मिल जाते हैं जो रनिंग कंडीशन में काम करते हैं, और यहाँ पर फ्रंट पे बैजिंग मिलती है, इसके मॉडल नंबर लिखा हुआ है इस पर स्प्लेंडोरा। और इसकी केबल की अगर मैं बात करूँ तो केबल छोटी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, 1 मीटर के आसपास होगी। लेकिन यहाँ पर ना आपको सॉकेट नहीं दिया है, यहाँ पर इस तरह से वायर्स दी हैं, क्योंकि मेरे को लगता है कि सॉकेट देना चाहिए था, बट चलिए सॉकेट हमें खुद से लगाना पड़ेगा इसको चलाने के लिए, क्योंकि हर जगह ऐसा प्रोविज़न नहीं होता कि आप डायरेक्टली तारे लगाएं। तो यहाँ पर सॉकेट हमें लगाना पड़ेगा, इनको देना चाहिए था। और एक ये पाइप है, ये भी क्या काम करता है ये भी मैं आपको बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। फ़िलहाल मैं आपको यहाँ पर इसकी अनबॉक्सिंग दिखा रहा हूँ और इसका लुक दिखा रहा हूँ। और पीछे से ये कुछ इस तरह का है, आप देख सकते हैं फ्लैट है ताकि दीवार पर हम इसको टांग सकें। पीछे भी बजाज की बैजिंग है, और ये दो यहाँ पर पेच लगेंगे, और यहाँ से ये हैंग हो जाएगा वॉल के ऊपर। और यहाँ पर एक टेक्निकल स्टिकर लगा है जिसपे इसकी सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं। और ये 8 बार प्रेशर को हैंडल नहीं करता है, ये 0.6 MPa प्रेशर को हैंडल कर सकता है, यानी कि 6 बार प्रेशर कह लो आप इसे। और ये कुछ इस तरह का है, प्लास्टिक बॉडी है ये सारी, रस्ट प्रूफ है और शॉक प्रूफ भी रहेगी। और लुक की अगर मैं बात करूँ तो लुक काफ़ी अच्छी है, अंडाकार है ये। अब सर्दियों में अंडे खाते हैं काफ़ी लोग, तो उसी तरह की इसकी शेप भी है, लगा हुआ अच्छा लगेगा। हालांकि मैं इसकी पूरी आपको जब दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में परफॉर्मेंस वगैरह, तो इसको हैंग करके दिखाऊंगा कैसी लुक आती है, किस तरह से ये काम करता है, कितने टेम्परेचर के ऊपर पानी देता है, और ये जो इंडिकेटर्स हैं ये क्या काम करते हैं, और ये जो पाइप है ये क्यों दिया हुआ है, ये सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर दिखाऊंगा। बहरहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये बजाज का गीज़र अच्छा लगा हो तो आप इसको खरीद सकते हैं, 2,500-2,600 रुपये में आपको मिल जाएगा अमेज़ॉन के ऊपर। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और आपको हैवल्स और क्रॉम्पटन के लिंक्स भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आपको जो भी बेटर लगे वो आप खरीदिए। लेकिन यार किचन में अपनी जो महिलाएँ हैं उनके हाथों के ऊपर तरस खाइए, और अपने किचन में एक इंस्टेंट गीज़र जरूर लगवाइए, क्योंकि ठंडे पानी में काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, तो हमें थोड़ा सा उनके बारे में भी सोचना चाहिए। बहरहाल इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलूंगा आपको किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू दोस्तों।